धर्म में किसी न किसी बहाने से व्रत या उपवास रखने का विधान है, पर हिंदू धर्म में तो वर्ष का लगभग हर दिन किसी न किसी तीज त्यौहार की परंपरा निभाने, किसी देवी देवता के प्रति श्रद्धा जताने या निजी मान मनौती की प्राप्ति के लिए उपवास रखने के उपयुक्त माना जाता है। आधुनिक जीवन दर्शन पर गर्व करने वाला मनुष्य अक्सर व्रतों या उपवासों को पुरातनपंथी या अंधविश्वासी प्रथाएं मान बैठते हैं। वे यह मान लेते हैं कि जो कुछ पुराना है, धर्म सम्मत है, वह विज्ञान सम्मत नहीं हो सकता। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि विज्ञान जगत में कुछ ऐसे वैज्ञानिक भी हुए हैं, विशेषकर चिकित्सा विज्ञान में, जो आज के ज्ञान को ही अंतिम विज्ञान नहीं मान लेते। ऐसे ही वैज्ञानिकों की कृपा से योग ध्यान अब कोई अज्ञान नहीं रहा। योग ध्यान के समान ही उपवास भी एक ऐसा स्वास्थ्य विज्ञान बनने जा रहा है जिसका उपहास उड़ाना एक दिन अज्ञानता कहलाएगा। तो आज के अपने इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि उपवास करने के फ़ायदों के बारे में। तो आइए जानते हैं कि क्या फ़ायदे हैं उपवास करने के। उपवास रखकर तथा जल पीकर हम एक तरह से शरीर को विश्राम देते हैं ताकि वह अपनी सफाई कर सके। तो उपवास का क्या अर्थ है? उपवास का ये अर्थ होता है कि भोजन न किया जाए और जल पीकर आंतों की सफाई की जाए। हमारे बॉडी में 70% से अधिक लिक्विड पाए जाते हैं, जिसमें ब्लड, यूरिन, वाटर, बाइल आदि शामिल होते हैं। हमारे शरीर में ब्लड फ्लो की इंडलेस प्रोसेस चलती रहती है। इस प्रोसेस में ब्लड में विभिन्न प्रकार के टॉक्सिक सब्सटेंस यानी कि विषैले पदार्थ जमा हो जाते हैं, जिनको शरीर से बाहर निकालना बहुत ही ज़रूरी है। यदि उनको बाहर ना निकाला जाए तो वे शरीर में बीमारी उत्पन्न कर देते हैं और हम इस तरह से बीमार हो जाते हैं। कई बार यह कई बड़ी बीमारियों का कारण बन बैठते हैं। उपवास के दौरान हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को आवश्यक विश्राम मिल जाता है तथा जो अवशेष भोजन पचने के बाद रह जाते हैं, यह विश्राम उनको बाहर निकालने में मदद करता है। डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक रखने का यह सबसे अच्छा वैज्ञानिक तरीका है। जब हम उपवास रखते हैं तो हमें अधिक बार यूरिन को शरीर से बाहर निकालने की ज़रूरत होती है। अंदर के ऑर्गेन की थकी हुई मांसपेशियों और तंतुओं को ठीक करने के लिए उपवास के दौरान यदि हम पानी तथा लिक्विड पदार्थों पर निर्भर रहें तो शरीर में मौजूद टॉक्सिक सब्सटेंस अधिक मात्रा में बाहर निकलते हैं। उपवास के दौरान आपने अक्सर अपने सांस में बदबू महसूस किया होगा, तो क्या आपको पता है इसका क्या कारण है? ऐसा इसलिए होता है कि शरीर में इकट्ठी गंदी गैसों को उपवास के दौरान ही बाहर निकलने का मौका मिलता है। लगभग सभी धर्म व्रत रखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। उनका उद्देश्य इस प्रकार शरीर की आंतरिक सफाई करने का ही हो रहता है। उपवास रखकर शरीर की सफाई करनी चाहिए तथा तनाव मुक्त होकर ध्यान कर तथा प्रार्थना कर मन की सफाई करनी चाहिए। आज की तेज रफ्तार से चलने वाली दुनिया में सफाई के ये तरीके बहुत कठिन दिखाई पड़ते हैं। इनसे होने वाले फ़ायदों के मद्देनज़र इनको कभी कभी थोड़ी अवधि के लिए अपनाया जा सकता है। अभी अभी नवरात्रि की पूजा समाप्त हुई है। आप में से बहुतों ने माँ की आराधना में उपवास किया होगा। जिस किसी ने भी उपवास रखा हो बता सकता है कि उसने उपवास के बाद बहुत अच्छा महसूस किया होगा। ऐसा उन लोगों ने भी अनुभव किया होगा जिन्होंने थोड़ा बीमार होने पर अथवा अत्यधिक थकान के कारण भोजन न किया हो। ऐसे अवसरों पर एक गिलास ताज़ा पानी, फलों का रस या गर्म दूध पीने से अधिक आराम मिलता है। फास्टिंग रखने व अधिक लिक्विड सब्सटेंस लेने से शरीर के काफ़ी हार्मफुल सब्सटेंस बाहर निकल जाते हैं, लेकिन हमारे इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार है कि उनकी पूरी सफाई नहीं हो पाती है। इसके लिए एनिमा की आवश्यकता होती है।
जब शरीर इन दोनों पद्धतियों से दूषित तत्वों से मुक्त हो जाता है तब कैंसर जैसी असाध बीमारियां भी हार मान जाती है। ऐसे बहुत से मनुष्य हैं जिनकी असाध्य बीमारियां उपवास, एनीमा तथा सादा जल व फलों के रस पर आधारित आहार से पूर्णतया ठीक हो गई है। यदि हमें स्वीकार हो तो उपवास से किसी भी बीमारी को ठीक किया जा सकता है, पर ज़रूरत है तो सिर्फ सही शुरुआत करने की। धन्यवाद।